अमृतसर पिछले दिन आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मैंबर राघव चड्डा की मंगनी के प्रोग्राम में श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के शामिल होने से जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह काफ़ी विवादों में घिर गए हैं। विरोधी पार्टियां के नाल श्रोमणी कमेटी ते श्रोमणी अकाली दल वालों भी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह उत्ते सवाल चुके जा रहे हैं। तो इस उत्ते एस जी पी सी मैंबर भाई राम सिंह जी का बयान भी सामने आया। तो श्रोमणी कमेटी के मैंबर भाई राम सिंह ने कहा कि जथेदार अकाल तख्त साहब सारी कौम के सत्कार योग ने। उन्होंने आख्या कि सारी कौम उन्हों का सन्मान करती है। तो जथेदार साहब वालों राघव चड्डा की पार्टी में शामिल होने सिखा के मन में बहुत ठेस पहुंची है। सिंह साहब बहुत सत्कारयोग ने, उन्हां वल्लों अजिही गल नहीं होनी चाहिए सी। ते भाई राम सिंह ने यह भी आख्या कि सिंह साहब उच्च स्थान पर विराजमान ने, उन्हां तों लोग प्रेरणा लैंदे ने। ते इस उत्ते राजनीतिक पार्टियां बहुत सवाल चुक रही ने। ते सिंह साहब सूझवान विद्वान ने, जेकर सिखां दे मन नूं ठेस पहुंची है तो अगे तो अजिहा काम ना होवे। ते भाई राम सिंह ने आख्या कि उस प्रोग्राम विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश भी नहीं सी। देखो सिंह साहब सत्कारयोग श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साडी कौम दे सब तो उच्चे स्थान उत्ते विराजमान ने और बहुत सत्कारयोग शख्सियत हैगी है। असी हर एक सिख जिहड़ा हैगा उन्हां दा बहुत वड्डा सत्कार करदा है, उन्हां दे मान मन बहुत वड्डी उन्हां दी इज्जत हैगी है। तो मैं समझदा जिथे कितें कल जो राघव चड्डा जी मंगनी दे विच उह गए हैगे ने, इस गल दे नाल सिखां दे मनां नूं थोड़ी जी ठेस पहुँची है, गहरी ठेस पहुँची हैगी है। तो इस गल दे वास्ते मैं इन्ना ही कहूँगा कि यह गल नहीं सी होनी चाहिए। सिंह साहब बहुत सत्कारयोग ने, वो आप बड़े सियाने ने। मैं समझदा भी अगे तो उन्होंने उन्हों का एक एक कदम जिहड़ा हैगा उन्होंने एक एक कदम के उत्ते सिखां नूं प्रेरणा लैनी मिलती है, नौजवान पीढ़ी नूं प्रेरणा मिलती है। तो इस करके ये सारिया चीज़ा जिहड़ियां ने इन्हां चीज़ों नूं सानूं अवॉइड करना चाहिए है। पर विरोधी सवाल चुक रहे ने कि धार्मिक स्थान के जिम्मेवार जथेदार ने, पर इदां दी गलती कितना कर सकते? मैं वह बेनती कर दी हैगी, वो सिख बड़े सियाने ने, जे होया तो वो सिंह मैं अपने आप समझ उन्होंने समझ लेना चाहिए भी जे सिखां दे मनां नूं ठेस पहुँची हैगी है तो इस चीज़ जिहड़ी हैगी आ वो मुनासिब नहीं सी, तां ही सिखां दे मनां नूं ठेस पहुँची हैगी। भाई साहब जी एक चीज़ होर देखने को मिली कि कई कृतियां भी हुई उत्थे कि राघव चड्डा ते जो उन्होंने मंगेतर ने गुरु साहब की हजूरी के पीढ़ी के उत्ते उच्चे उठ के बैठे हैं। देखो मैनूं जो पता लग्या हैगा भी उत्थे जो अजे तक कोई पिक्चर इस तरह सामने नहीं आई भी कोई भी पिक्चर दे विच इस तरह का जिथे गुरु साहब का प्रकाश होवे, कोई गुरु साहब का प्रकाश उत्थे नहीं सी हैगा जां किसी, क्योंकि जिन्नियां वीडियो वायरल हो रही ने उस विच गुरु साहब का प्रकाश उत्थे नहीं सी हैगा। भाई साहब लगता कि सिंह साहब ने अपना बयान कोई देना चाहिए वा सिंह साहब बहुत समझदार ने, बहुत उच्ची पदवी से बैठे ने। मैं उन्होंने की है ये वास्ते कह सकता, मैं तो यही बेनती कर सकता है इन्हों चीज़ों तो सानू बचाव करना चाहिए है। राजनीति कर रही जी वो तो कर ही रही नहीं, उन्होंने मौका मिले जी नहीं, वो तो मैं तो थोड़ा दसिया ना भी ये चीज़ तो सानू बचना चाहिए। एक एक कदम जो सिंह साहब का हैगा वो सानू सारी सिखों वास्ते प्रेरणादायक होंगे वा। इस करके बहुत समझ के नाल आने वाले समय के वास्ते क्यों सिखां दे उत्ते बहुत हमले चार सफेरे हो रहे हैं, उन्होंने सानू अज हरेक सिख नू जिहड़ा समझ के चलने की लोड़ है।